नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनू माथुर। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सीबीआई सुलझा रही है। तमाम कोशिशों के बाद इस केस को सीबीआई को सौंपा गया है। इस बीच बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कही जाने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत का मामला फिर से गर्मा गया है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है सीबीआई फॉर श्रीदेवी केस। जी हाँ, सोशल मीडिया पर यह अचानक से ट्रेंड करने लगा सुशांत की मौत के बाद। जी हाँ, श्रीदेवी की मौत का मामला भी अब सीबीआई को सौंपने की कवायद उठ रही है। सोशल मीडिया पर सीबीआई फॉर श्रीदेवी ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर तमाम यूजर्स श्रीदेवी की मौत को सीबीआई को सौंपने की दरख्वास्त लगा रहे हैं। 24 फरवरी 2018 को दुबई में एक होटल के कमरे में श्रीदेवी की मौत हो गई थी। मौत के पीछे का रीजन उनका बाथटब में डूबना बताया गया था। हालांकि उस टाइम भी श्रीदेवी की मौत की वजह पर तमाम सवाल उठे थे, लेकिन इतना ज़्यादा बवाल नहीं हुआ था जितना सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हुआ। जिस तरह से सोशल मीडिया पर 40 से 45 दिन तक लगातार सुशांत के चाहने वाले, उनके फैंस और तमाम दिग्गज हस्तियाँ आगे बढ़कर सीबीआई जांच की मांग की, उतना ही आज तक शायद ही किसी बॉलीवुड हस्ती की मौत के बाद हुआ हो। लिहाजा परिवार के कहने पर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से सिफारिश की कि सुशांत मामले में सीबीआई जांच हो, और जिसका केंद्र सरकार ने सम्मान किया और बिहार सरकार की बात को मानते हुए सुशांत का केस सीबीआई तक को सौंप दिया। जी हां, सुशांत मामले में अब सीबीआई ईडी चोटी का जोर लगा रही है इस मामले को सुलझाने के लिए। सुशांत मामले को सीबीआई को सौंपे जाने के बाद फैंस को उम्मीद जगी है कि श्रीदेवी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। ट्विटर पर यूजर्स श्रीदेवी मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाते हुए ट्वीट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि जानवी कपूर की पहली फिल्म से पहले ही श्रीदेवी की मौत की हुई, ठीक उसी तरह जिस तरह से अर्जुन कपूर की डेब्यू फिल्म से पहले बोनी कपूर की पहली पत्नी की मौत हुई। क्या ये इत्तेफाक है? जी हाँ दोस्तों, ट्विटर पर यूजर्स बार बार श्रीदेवी की मौत पर सवाल उठा रहे हैं। सुशांत की मौत में जिस तरीके से सीबीआई एक्टिवली अपना काम कर रही है, उसके बाद फैंस में ये उम्मीद जागी है कि श्रीदेवी का केस भी सीबीआई हैंडल करे, ताकि पता चल सके कि श्रीदेवी की मौत के पीछे की असली वजह क्या थी। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी बीट।